इस वीडियो में मैं आप लोग को आज एडमिशन प्रोसेस ऑफ सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में ना दो कॉलेजेस हैं, एक्चुअली है तो तीन, आर्किटेक्चर का भी है, अप्लाइड आर्ट का भी है और फिर क्या बोलते हैं पेंटिंग का भी है, मतलब फाइन आर्ट का भी है। ओके, अब आप लोग पेंटिंग मतलब फाइन आर्ट के अंदर आ जाता है और फिर फाइन आर्ट के अंदर बहुत और भी दो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे स्कल्पचर आ जाता है, मेटल वर्क आ जाता है, टेक्सटाइल डिज़ाइन भी आ जाता है, ऐसे सिरामिक भी आ जाता है और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, इवन इंटीरियर डेकोरेशन का भी ऐसा कुछ है शायद से, सब चीज़ों का टेक्सटाइल के सब के बारे में जो मैंने अभी ऑलरेडी बोला शायद से। ठीक है, तो ये सब फाइन के अंदर आ जाता है, फाइन आर्ट के अंदर आ जाता है। ओके, और अप्लाइड आर्ट के लिए अलग सा कॉलेज होता है। ओके, अप्लाइड आर्ट में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अप्लाइड आर्ट का सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट रहता है। ओके, एंड आर्किटेक्चर का मुझे पता नहीं, आर्किटेक्चर के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, उनका क्या एग्ज़ाम एंड क्या रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग को एक्चुअली वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था चैनल पे, बट मुझे ऐसा लगा क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, अभी के टाइम का क्या मतलब सीन है, मतलब अभी लेटेस्ट अगर 2023 का अगर आप देखा जाए तो 2023 में अगर किसी को जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। क्योंकि वीडियो अगर मैं फॉर्म आने से पहले एक दो महीने पहले बताता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये वीडियो अगर आपने पहले डाल दिया होता तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो काफ़ी टाइम पहले डाल रहा हूँ। ओके, फेब के एंडिंग या मार्च की स्टार्टिंग या मार्च के बीच तक जो भी इस एग्ज़ाम का जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, वो मतलब सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट ली जाती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो लेती है, ठीक है, उसे कहा जाता है MAH AACCAT। ठीक है, तो मान लो MAH AACCAT 2023 कब होगी, ठीक है, कैसे होगी, क्या होगी, वो सब तो मैं जब चालू होगा, जैसे ही अपडेट्स आने चालू होंगे चैनल पे मैं डाल दूँगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे जाके एक बार विज़िट करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्या मैं मेरा क्या किस टाइप का कंटेंट है। ठीक है, तो हाँ, मैं ऐसे टाइप के वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग को जो भी मेरे को पता है मैं आप लोग को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो पहले तो बता दो प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं रहता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, अदर स्टेट वालों को काफ़ी मतलब जानने का ये चीज़ रहता है कि हमें तो कुछ पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, या जिनको कुछ भी नहीं पता, मान लो आपको कुछ भी नहीं पता, अब आपको सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेना है तो मैं आप लोग को बता दो सिंपल चीज़ें, चाहिए तो आप नोट करके रख लो। ओके, या आप बस चीज़ों को समझ लो कि कैसे चीज़ें काम करती है, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, आप लोग को मैं स्टार्टिंग से सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे ही 2023 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, CET का, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, प्रैक्टिस क्या करना है, वो सब क्या करना है, वो सब मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। अगर मुझे वीडियो में टाइम मिला तो मैं बता दूंगा, बट मैं वो सब नहीं बताने वाला कि आपको क्या प्रैक्टिस मतलब एक वो सब बता दूंगा कि हाँ मतलब पेपर क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है उसका, मतलब किस टाइप के पेपर होते हैं, वो सब मैं बता दूंगा, बट कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे क्लियर कर ले, वो सब मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरा खुद का नहीं क्लियर हुआ है तो मैं कैसे आपको बताऊंगा। फिर आप तो यही बोलोगे, मैं अगर आपको बोलूंगा अभी तो आप लोग तो मुझे यही बोलोगे कि भाई तेरा खुद का नहीं क्लियर हुआ तो हम लोग को कैसे बता सकता है। ठीक है, हालांकि जिनको जानना रहेगा वो जान सकते हैं, जिनको नहीं जानना है उनके लिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप जानो इस चीज़ को, मुझे जितना पता रहेगा मैं आप लोग को गाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, मेरे हिसाब से जो मुझे पता है। ठीक है, तो और हाँ मैं बता दूँ, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, मैं अप्लाइड आर्ट ही कर रहा हूँ, फाइन आर्ट मतलब अप्लाइड आर्ट कर रहा हूँ, BFA सेकेंड ईयर में हूँ मैं, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैं सेकेंड ईयर में हूँ। और तो मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहले तो आपको ना CET के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जब स्टार्ट होगा तो। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट होगा चैनल को आप सब्सक्राइब करके इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और जैसे ही CET के अपडेट्स आने स्टार्ट होंगे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है 2023 का, जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ओके, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद जिस टाइप के भी आप कैंडिडेट हो ये सब एंड ऑल सब इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है, एंड आपको रजिस्टर करके फिर आपको एग्ज़ाम देना रहता है, जब भी एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम देने के बाद उसका रिज़ल्ट आता है, एंड रिज़ल्ट में अगर आपका वैसा मार्क्स है
ठीक है, तो फिर मार्क्स अगर आपका वैसा रहता है तो आपको इजीली कॉलेज मिल जाता है। कैसे मिलता है, कैसे, सब डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं अभी, वीडियो बहुत लंबा होगा और फिलहाल के लिए वो जानना है आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस यही जानना है, अगर आप अदर स्टेट से भी हो, आपको सिर्फ यही मैं बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल के लिए जब भी नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल का प्रोसेस सब कुछ एंड हो चुका है, ठीक है, 2022 का, 2023 के लिए जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगा तब आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जो कि मैं आप लोग को बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। जब भी वो चीज़ें सब स्टार्ट होगी, ठीक है, फिर आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना रहता है, ठीक है। एग्ज़ाम में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 3 प्रैक्टिकल होते हैं, 1 थियरी होता है। थियरी में आपको जीके के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, थीके? जो कि आप अगर प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स है आप लोग उसको अगर आप सॉल्व कर लोगे या उसको एकदम रट्टा मार लोगे तो आपके पेपर एकदम मतलब अच्छा जाएगा, ठीक है। जीके के पेपर, ज़रूरी नहीं कि वही पेपर्स रिपीट क्वेश्चंस आते, रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते, रिपीट होते, बट हाँ ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ आएगी, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं, ठीक है। 3 पेपर प्रैक्टिकल बेस्ड रहते हैं, ठीक है, टू डू डिज़ाइन, मेमोरी ड्राइंग और ऑब्जेक्ट ड्राइंग। अब इस ये चीज़ 3 प्रैक्टिकल होते हैं, इसको इस पे आप वीडियो सर्च मार लो, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे अच्छे खासे चैनल पे, अच्छी खासी क्लासेस भी मिल जाएगी, आप चाहिए तो क्लासेस भी लगा सकते हो अपने अच्छे के लिए। सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपका मार्क्स 1-2 महीने में आपने प्रैक्टिस किया और आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट करोगे काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस करो, चीज़ें क्या हैं सब चीज़ों को समझो कि टोटल डिज़ाइन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग में क्या होता है, मेमोरी ड्राइंग में क्या होता है, मैं बता दूंगा वीडियो में आगे चल के, आगे फ्यूचर वीडियोस में, बट अभी के लिए मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आपको सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। स्टेट कैंडिडेट के लिए भी यही प्रोसेस होती है और अदर स्टेट के लिए भी यही होती है, ठीक है। चाहे आपको अप्लाइड एड करना हो, टेक्सटाइल करना हो, सबके लिए एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, ठीक है, जो कि पैटर्न थोड़ा पुराना हो गया है, बट हाँ आपको यही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना रहता है। एंड सिंपली इसमें आपको जितना हो सके 190 मार्क्स का पेपर रहता है टोटल, 150 तक अगर आप ले आते हो, 150 तक, ठीक है, या 1, मतलब डिपेंड करता है, वो तो रिजर्वेशन वालों के लिए काफ़ी कम मार्क्स रहता है, उनका कम मार्क्स में भी हो जाता है, ऐसा भी नहीं कि 90-100 में ही हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट हाँ अगर आप रिजर्वेशन से हो तो काफ़ी आपको प्रॉफिट मिलता है। रिजर्वेशन का भी जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे के वीडियोस में बता दूंगा, बट हाँ अगर आपका 145 या 150 के ऊपर आपके मार्क्स आते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा कुछ वो हो जाता है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा आपको मार्क्स, मतलब चांसेस आपके एकदम कन्फर्म हो जाते हैं कि आपको जीजे स्कूल ऑफ आर्ट अप्लाइड आर्ट दोनों मिल जाता है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, एंड बाकी के 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो आपको वीडियो के क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा, आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपको कुछ भी डाउट रहता है इस वीडियो में, अगर आपने मुझसे जो भी चीज़ें सुनी इस पे कुछ भी आपका डाउट रहता है, डिटेल वीडियो नहीं है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया डिटेल वीडियो नहीं है ये चीज़, बट मुझे सिर्फ अपडेट करना था, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि कुछ भी मैं अपडेट डालूँ तो आपको अपडेट मिल जाए। ओके।